अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको हमेशा ऐसे खुश और वुरम रखे आज या तारीख सात दिसंबर दो हज़ार तेईस आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से तो आज कराची के हंड्रेड इंडेक्स आठ सौ पॉइंट प्लस के साथ क्लोज हुए हैं और इस दौरान मार्केट की जो नफसियाती हदूद रही है वो चौंसठ हज़ार सात सौ अट्ठारह पॉइंट्स पर क्लोज़ हुई है आज मार्केट की नफसियाती हदूस ज्यादा से ज्यादा चौंसठ हजार नौ सौ अठावन पॉइंट्स तक गई है और जो इसने लो लगाया वो तिरसठ हजार आठ सौ तिरपन पॉइंट्स पर लगाया है यानी जैसे कि हमने इस हफ्ते के स्टार्ट में आपको बता दिया था कि इस हफ्ते में मार्केट पैंसठ हजार दा के लेवल को टच करेगी तो उम्मीद की जा रही है कल मार्केट का लास्ट वर्किंग डे है और मार्केट ये पैंसठ हजार का हदफ क्रॉस करेगी और पाकिस्तानी तारीख में एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स को जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसी में इन्वेस्टमेंट हो रही है हमारा जो इन्वेस्टर है वो सोने से भी निकल गया वो प्रॉपर्टी से भी निकल गया वो डॉलर से भी निकल गया इवन के जो दूसरे कारोबार है उनमें से भी ये इन्वेस्टमेंट निकाल के अब स्टॉक एक्सचेंज में लगा रहा है जैसे कभी हम ये सुनते थे कि जितने भी इन्वेस्टर हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं या फिर डॉलर परचेज करते हैं मगर यहाँ पे ये यह चीज़ें देखने की है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुख्तु कंपनियों के हिसे यानी उनके स्टॉक ऊपर जा रहे हैं जबकि बजाते खुद जो कंपनियों का बिज़नेस है वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा जैसे हम मिसार ले लेते हैं ऑटोमोबाइल की ही देख लें उनकी जो स्टॉक के हिशिस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं मगर मार्केट में गाड़ियों का काम इस वक्त ना होने के बराबर है सीमेंट के हवाले से देखते जा रहे हैं सीमेंट का, का काम भी कंस्ट्रक्शन का काम भी पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं हो रहा मगर इनके हिस्से ऊपर जाते जा रहे हैं बहरहाल हम मज़ीद इस बहस में नहीं पढ़ते कि ऐसा क्यों हो रहा है मगर ये बात तय है कि हर दो तीन साल बाद किसी भी बिज़नेस का अरूज आता है और इस वक्त जो अरूज चल रहा है वो स्टॉक एक्सचेंज का है अब ये कितनी देर तक रहता है और अगला टाइम किसका होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट के हवाले से तो आज इंटरनेशनल मार्केट ने जो अपना हाई रेट लगाया वो लगाया दो डॉलर पर डॉलर पर और जो इसका लो रेट लगा वो 2025 डॉलर पर ऑंस पर लगा है जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं मार्केट चल रही है 2026 डॉलर पर ऑस पर इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त डाउनवर्ड ट्रेंड ही चल रहा है और इंटरनेशनल मार्केट अगर आज या कल के दिन में 2050 का लेवल क्रॉस कर लेगी तो मार्केट पॉजिटिव होगी अदरवाइज मार्केट नेगेटिव ही रहेगी कल मार्केट का लास्ट वर्किंग डे है और लास्ट वर्किंग डे की जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो दो डॉलर के करीब होनी चाहिए क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के पास काम करने के लिए 10 से 12 दिन रह गए हैं उसके बाद 23 दिसंबर से इंटरनेशनल मार्केट बंद हो जाएगी जो फिर 2024 में 2 तारीख को ओपन होगी और इतनी छुट्टियों के बाद मार्केट जब स्टार्ट होती है तो उसको भी वार्म अप होते हुए दस से पंद्रह दिन लग जाते हैं इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड के साथ जो चीज़ मुकाबला कर रही है वो बिटकॉइन है और उसकी ख़रीदारी में भी पिछले 10 दिन में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है और 10 दिन के दौरान उसकी कीमत में तकरीबन 7000 डॉलर का इजाफा हुआ है तो अगर बात करें पाकिस्तान में डॉलर के रेट की तो आज डॉलर के रेट में कल की नस्बत दो पैसे कमी हुई है जिसके बाद डॉलर का रेट इंटर में दो सौ पैसे पर क्लोज हुआ है ओपन मार्केट में डॉलर की कीमतें खरीद दो सौ पैसे है सऊदी रियाल पिचहत्तर इशारिया तीस पैसे पौन्ट्स स्टर्लिंग तीन सौ चौवन इशारिया पिछहत्तर पैसे यूरो का रेट तीन सौ तीन इशारिया अस्सी रुपए और यू ए धरम सतर रुपये है और पाकिस्तान के लिए एशियाई तरक़ियाती बैंक ने छः सौ उनसठ मिलियन की फाइनेंसिंग को मंजूर कर लिया है यहाँ पे यह चीज़ नोट कर लीजिएगा कि ये कर्ज पाकिस्तान के किसी तरक्याती काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि इस रकम को पाकिस्तान के रेवेन्यू और अखराजात के फ्रेमवर्क में असलाहत लाने के नाम पर बजट फाइनेंसिंग के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो यहाँ पे बात कर लेते हैं आज पाकिस्तान में गोल्ड के रेट के हवाले से तो आज पाकिस्तान में गोल्ड का रेट कल की नस्बत थोड़ा सा बड़ा है जो हाजी हारून चांद साहब की जहाँ से रेट आया वो दो लाख अठारह हजार नौ सौ रुपया पर तोला था मगर लोकल मार्केट में चौबीस कैरेट गोल्ड रेट दो लाख अठारह हजार रुपया पर तोला है अट्ठारह कैरेट गोल्ड रेट एक लाख तिरसठ हजार पाँच सौ रुपया पर तोला इक्कीस कैरेट गोल्ड एक लाख नब्बे हजार सात सौ पचास बाईस कैरेट गोल्ड रेट एक लाख निन्यानवे हजार आठ सौ चौंतीस रुपये पर तोला पठूर का रेट दो लाख चौदह हजार पाँच सौ रुपया चांदी की रेट की अगर बात की जाए तो चांदी का रेट दो हजार छह सौ रुपया पर तोला है तो यहाँ पे अगर बात कर ली जाए कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में गोल्ड का रेट कहाँ तक होगा तो देखिये कल का दिन नहाय अहम होगा क्योंकि कल लास्ट वर्किंग डे है पाकिस्तान में बैंकों का लास्ट वर्किंग डे है स्टॉक एक्सचेंज का और लास्ट वर्किंग डे है इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट का तो इस दौरान जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल मार्केट अगर तो 2050 के लेवल से ऊपर जाती है तो गोल्ड के रेट में कुछ तब्दीली आ सकती है यानी ये ऊपर जा सकता है अदरवाइज़ वो इसी के दौरान ही रहेगा 2017, 18 या 16 के दरमियान और इसी तरह कल के दिन में अगर डॉलर का रेट मज़ीद नीचे आता है तो उससे भी पाकिस्तान में गोल्ड का रेट नीचे आएगा यहाँ पर फ्रेश बाइंग वाले एहतियात करें और जिनके पास गोल्ड पहले से मौजूद है अगर उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है तो वो इंतज़ार कर सकते हैं तो ये थी दोस्तों हमारी अभी तक की गोल्ड डॉलर और स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अपडेट्स मजीद अपडेट्स के लिए इंशाल्लाह कल की वीडियो में मुलाकात होगी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए जजाकल्ला अल्लाह हाफिज़